धमाका अगर निकले ना साथ इस वीडियो शूट। अभी का हमने टेम्परेचर देखा कश्मीर का 32 डिग्री दिखा रहा है। अब मजा आ गया मेरे को सही में। Alright, so hey guys, welcome back in another new fresh vlog। मेरे को एक चीज़ का कुछ पता नहीं है मेरे चैनल के साथ क्या होता है। हर दिन मेरे को एक एक सब्सक्राइबर कम होते जा रहा है। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सब कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, फिर वो सब्सक्राइबर ना कम हो जाते हैं, फिर अचानक से बढ़ जाते हैं सब्सक्राइबर। मेरे को ये समझ नहीं आता ये सीन क्या मेरे साथ ही होता रहता है। पहले आप एक चीज़ करो, आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। खुद देखो धूप कैसा है, इसी की वजह से वीडियोज नहीं आ पाती है, उसके लिए सॉरी। जब आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल ये कुछ दिन चल रहे हैं, इनमें मेरे को समझ आ रहा है कि जो मार्शल है ना थोड़ा सा लीजी हो गया है। फिलहाल मैं इसको दही लाऊंगा बाहर से, वही देना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं हम दही लाने। यहाँ पे मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना ऐसे आए हाय अजीब सा फील हो रहा है सच्ची में ना चपात। तो भी शुक्र इस गर्मी में ना जल्दी 2 मिनट के रास्ते पर दही का दुकान जाम दूध। ये रहा दूध जो मैंने लाया, 50 रुपीज़ का इतना पैकेट आ गया और मैंने इसको यहाँ से इसमें भमा कर दिया और इस जनाब ने शुरू भी कर दिया है। हे हे बताओ कैसे हो, बड़ा हो चुके है ना। चुप करके अपना ये चीज़ खा। अब जाके मेरे को लग रहा है कि बाहर से इतनी धूप क्यों है, ये वाला साइड ना मेरे को टोटली जलने लगा। तो भी हमें नज़दीक जाना पड़ा दही लाने, नहीं तो हमें दूर जाना पड़ता, हालत ख़राब हो जाती। बाहर से इतनी धूप है ना, इसमें कुछ करने का टोटली मूड नहीं है ना। आज से डाइट शुरू, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैंने जिम नए से ज्वाइन करा है। आज से मैंने सोचा कि आज से मैं 27 आज डेट है 27 जून से मैं आज वापस जिम ज्वाइन करूँगा। 20-25 दिन मैं नहीं गया जिम, उसकी वजह से थोड़ा सा रिकवर हो गया मेरे को, जितना अपना आना था वेट में मैं उतना आ गया। अभी जाके मैं जब कपड़े निकाल के शीशे पे अपने आप को देखता रहूँ चड्डी लगा कर, तब मैं बोलता हूँ यार समझ नहीं आता है, कुछ ही दिनों में फैट हो चढ़ गया। बाहर से बहुत सारी धूप है, इसकी वजह से अगर मैं वेट करूँगा ना मेरे को बहुत पंगा हो जाएगा। जो मेरे आधार कार्ड का फोटो है ना वो मेरे को चेंज करवाने जाना है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा स्मार्ट लगता हूँ, कोई भी बिलीव नहीं करता है। सब बोलते कि नहीं पहले स्कैन करके देखना पड़ेगा यही बंदा है कहाँ पर लोकेशन में, समझना पड़ता। एक बार से इतनी धूप और मेरे को ना मन ही नहीं कर रहा है कि मैं फुल स्लीव्स पहनूं। अब यही निकलना पड़ेगा ऐसे ही हाफ में, क्योंकि बाहर से ऐसी गर्मी है ना अगर फुल लगाएगा ना बंदा पूरा जल जाएगा। पहले आधार कार्ड ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे, इतना क्यूट आधार कार्ड है। इस टाइम पे काला होना मेरे को पड़ेगा बट मैं वो बर्दाश्त करूँगा, बट लेकिन गर्मी हो जाएगी मेरे को, मैं सही पे सड़क पे लुढ़क जाऊँगा। फिलहाल राहिल भी बाहर वेट कर रहे हैं, उसके साथ निकलते हैं। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ अपने काम की तरफ, ये रहा मेरे साथ राहिल। हे गाइस, इसको आज मैं दौड़ दौड़ के चला चला के अपने साथ ले लूँगा, तेरी हालत ख़राब हो जाएगी आज मेरे साथ। हाँ बाहर से धूप जबरदस्त लेवल की। फाइनली ऑटो में चढ़ चुके हैं, क्योंकि हम पैदल नहीं चल सकते, स्कूटी भी नहीं, क्योंकि हर जगह पकड़ रहे हैं, इसकी वजह से हमने ऑटो में जाना है, बेटर रहेगा। 10-20 रुपये ज़्यादा लेगा बट मज़ा आएगा, कोई रिस्क नहीं है। इतनी गर्मियों में यहाँ तक आके फजूल हो गया सब कुछ, वो यहाँ पे नहीं है, उनकी थोड़ी पावर की कुछ फिटिंग चल रही है इसलिए वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वो कल आएंगे, आज नहीं ट्रांसफ़र हो चुके हैं, हफ्ते से पूरे कहीं गए हैं, फिर वो कल आएंगे इसलिए हमें कल आना पड़ेगा। आए हाय। अभी का हमने टेम्परेचर देखा कश्मीर का 32 डिग्री दिखा रहा है ना, हाँ ज़बरदस्त। टोटली हालत ख़राब हो गई, पसीने से बुरा हाल। थोड़ा टाइम हवा में बैठकर अब जाके थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अलग ही गर्मी हो गई थी सच्ची में ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे इनमें यहाँ पर हो रहा है टिक 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 कैसे हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी बाहर कितना होगा, हाँ मैं यहाँ पे तो भी ठंडी ठंडी कभी कभी होती, बाहर क्या होगा सच्ची में आग। अभी फिलहाल निकलते हैं घर की तरफ। फिलहाल एक ज़बरदस्ती चीज़ मेरे को दिमाग में आई है घर आके, यहाँ पे कोई नहीं है घर में, राहिल और मैं हैं। मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर नहाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत सारी है, इस गर्मी को हराने के लिए एक ही चीज़ बनता है, वो हो गया पानी, आराम से चिल। लेकिन मैं कहीं और जा सकता, मैं नहीं जाता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को डर लगता है।
मेरे को स्विमिंग नहीं आती, तैरना नहीं आता, अगर छोटा सा कदकद हो गया पानी में मैं मर जाऊँगा, सोचूंगा एनाकोंडा आ गया। इसलिए मैंने अपने बचपन का 2-3 साल पहले वाला टफ फूक वाला इतनी गर्मी धूप होना मेरे को समझ नहीं आ रहा है फूक कैसे भरेंगे, ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। ओह माय गॉड, यहाँ पर हम इसको बिछा के रखेंगे, 2-3 दिन इसी में मैं नहाऊंगा, बाथरूम कैंसिल। अब मेरे को खाली एक चीज़ का टेंशन, इसको पंचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले इसको 1-2 पंचर थे, उसी की वजह से मैं इस पर नहाता नहीं था। अब इतनी मेहनत करके पंचर होगा, समझ जाओ क्या सीन होने वाला है। यहाँ पर जोरों शोरों से मेहनत, एक हमारा फुल हो गया, सेकंड वाला भी होने वाला है, इसके बाद लास्ट वाला है। मेरी हालत देखो, पसीना इतने मेहनती कर रही है। अभी फिलहाल सब कुछ हो चुका है डन, बस अब खाली पानी का वेट करना है। इसको लगभग 2-4 घंटे लग जाएंगे, जब तक अंधेरा हो जाएगा हमारी मेहनत चकनाचूर। ये देखो, रिएक्शन देख लो, रिएक्शन रिएक्शन अरे इसने देखो देखो, गो 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 गो, भाग गया भाग गया। पहले करते हैं अच्छे से वेट इस चीज का, ये फुल आएगा, इसके बाद इस पे चले जाते हैं हम। हाँ, सोच कर ही मजा आता है, ऐसा मजा, घर में होममेड स्विमिंग पूल बन गया हमारा प्राइवेट, इधर हम दोनों के बगैर कोई नहीं है ना, प्राइवेट स्विमिंग पूल हमारा। इतनी सब मेहनत करने के बाद राहिल चला गया, अब मैं खाली अकेला हूँ। यस यस यस, अब सारा कुछ मैं रिकॉर्ड अपने GoPro से करूँगा, क्योंकि आईफोन वाटरप्रूफ है, मैंने सुना था एक बार, बट मैंने ट्राई करके आज से 1 साल पहले देखा, मेरा आईफोन X नया नवा चला गया, ब्लैक स्क्रीन पड़ गया उसका सारा, इसलिए रिस्क नहीं लूंगा मैं अब। समझ रहे हो, समझ रहे हो, खुशी, ऐसी खुशी कभी नहीं आई है। सलाम अलैकुम आंटी, ने देख लिया है मुझे, बोल रहे हैं कौन सा बच्चा है। अलग ही मजा, तुम्हारी एज कोई सी भी हो लेकिन मजा करना मत भूलो, सही ना, बच्चों की तरह रहो, चिल करो अपनी लाइफ में। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से बताऊंगा, बैठ रहूँगा घर में ना हो, कुछ अच्छा सा कहीं स्विमिंग पूल देखो, मैं भी 2-4 दिन देखने वाला हूँ स्विमिंग पूल, बट कहीं अवेलेबल नहीं था, खुलने वाले हैं अब गर्मी की वजह से, पहले लॉकडाउन की वजह से बंद थे, कोविड की वजह से बंद थे। बेटर होगा स्विमिंग पूल जाओ, ऐसे नदी वहाँ कहाँ जहाँ भी नहाते हो, जहाँ पर डूबने का खतरा रहता है वहाँ पर मत नहाओ, यार फैमिली होती है पीछे से उनका सोचो, इसलिए बेटर होगा यार, मज़े करो बट किसी अच्छी जगह पे, हाँ सेफ होगा। अब हर किसी को तैरना नहीं आता है, कोई गलती से गिर जाता है तो फिर डूब जाता है, इसलिए बेटर होगा अपनी लाइफ को एंजॉय करो, घर में रहो, मज़े करो, स्विमिंग पूल जाओ, बट कहीं डेंजरस वाली जगह पर मत नहाओ, मत थोड़ी मज़े के लिए पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।